कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सासद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों के कुछ कमेंट हैं, कुछ डाउट हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ, या मैंने लिख दी हैं कि आपके क्या डाउट हैं, कुछ जो आप पूछ रहे हो कमेंट में करके। इसीलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से छूट नहीं। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप एक बार तो सोच लिया करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को देख के स्किप मत कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूपीएससी संदर्भ भर्ती के ऊपर। आपका जो एक डाउट है कि क्या सिलेबस में बदलाव होगा, मेरे पास डेली कमेंट आ रहे हैं। और सबसे मतलब बात यह है कि आप तो कमेंट कर देते हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बात कहाँ से निकल करके आई, सिलेबस चेंज होगा। डेली मेरे पास कमेंट आते हैं, मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन अब दो तीन दिन से देख रहा हूँ ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपने अगर कहीं से भी सुनी हो कि सिलेबस आपका चेंज होगा, तो बिल्कुल गलत है। किसी के भी बहकावे में, किसी की बातों में नहीं आना। दूसरी बात, हो सकता है आपने किसी के थंबनेल पे ये देख लिया हो कि मैथ के प्रश्न इस बार, मतलब थंबनेल पर लिख देते हैं 38 नहीं आएंगे, सिर्फ 19 प्रश्न आएंगे, तो ये कुछ नया नहीं हो रहा है। अगर आपसे कोई कह रहा है 19 प्रश्न आएंगे, तो वो भी सही कह रहा है। 38 प्रश्न कोई आपसे कह रहा है, तो वो भी सही कह रहा है। मैं बताऊंगा आपको दोनों कैसे सही हैं। 38 अगर कोई आपको बता रहा है, तो वो इसलिए सही है क्योंकि टोटल जो मैथ के प्रश्न होते हैं वो 38 होते हैं। अगर कोई आपको 19 बता रहा है, तो वो इसलिए सही है क्योंकि 38 प्रश्न में से सिर्फ 19 प्रश्न ही ऐसे होते हैं जो मैथ लेवल के होते हैं, जिनको मैथ में हम काउंट कर लेते हैं। बाकी के बचे 19 प्रश्न, उनको रीजनिंग में ऐड करके 56 प्रश्न रीजनिंग के बता दिए जाते हैं। दूसरी बात ये है, अगर बाई चांस मान लीजिए 1% आपका सिलेबस चेंज हुआ, तो विश्वास मानिए कि यूपी जो पुलिस का जो बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है, आपके साथ बिल्कुल गलत नहीं करेगा। आपको इतना समय देगा कि उसमें जो थोड़ा बहुत कुछ भी, किसी भी विषय में थोड़ा बहुत कोई सब्जेक्ट या कुछ, मतलब जो सिलेबस में थोड़ा बहुत भी उसने चेंज किया, तो आपके लिए इतना समय देगा कि आप उसको कवर कर सकें। अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ भी तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना। आप बताइए, इसमें आपके मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, हिंदी है, और आपका जो यूपी जीके जो भी है, अब इसके अलावा और क्या ऐड करेगा। हाँ, कुछ प्रश्नों की संख्या ऐसा हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो जाए, ऐसी कोई अपडेट नहीं है। मैं बिल्कुल फिर कह रहा हूँ, ना ऐसा होने वाला है बिल्कुल, लेकिन बाई चांस कुछ हो गया तो, क्योंकि मैं तो पेपर बना ले रहा हूँ, अगर होगा तो विश्वास मानिए बिल्कुल फ्री माइंड से तैयारी करिए। आपको इतना समय जरूर मिल जाएगा कि कुछ जो 2-4 से 8-10 प्रश्न की जो चेंजेस हुए, वो उसके लिए आपको कवर करने का टाइम मिल जाएगा। यानी कि आपके लिए पेपर में थोड़ा सा टाइम उस हिसाब से वो सेट कर देंगे कि अब फॉर्म निकाल रहे हैं, तो इसका एग्जाम का जो डेट है वो इस तरीके से रखे जाए कि हमने जो सिलेबस में चेंज किया है, ये तब तक अपने माइंड सेट इस तरीके से कर सकें जो तैयारी करने वाले हैं, या इस सिलेबस को समझ के अपनी तैयारी कर सकें। फिर भी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि फिर भी आप मानिए कि आपका सिलेबस किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये तो रही सिलेबस की बात। दूसरी बात आती है एग्जाम मोड की। एग्जाम मोड की आपको पता ही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हाइब्रिड मोड पर आपका एग्जाम होगा। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि हाइब्रिड मोड होता है क्या है, तो देखिए, जैसे आपने ऑनलाइन पेपर दिया होगा, यहाँ आपका एक कंप्यूटर रहता है ऑनलाइन में, और आगे रखा रहता है आपके, यहाँ रहता है आपके माउस, ठीक है। ये आपका माउस रहता है इस तरीके से, मान के चलो ये आपका माउस है, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है वो इसमें आता है ऑनलाइन में, और आपको आंसर भी इसमें टिक करना पड़ता है। लेकिन हाइब्रिड मोड में क्या होगा, आपका जो प्रश्न तो है वो इसी में आएगा, आपका जो प्रश्न है इसी में आएगा, लेकिन आपको उसके आंसर हैं वो OMR शीट पर देने पड़ेंगे, ठीक है। OMR शीट पर आपको आंसर देने पड़ेंगे, जैसे कि ऑफलाइन में OMR मिलती है ना, आपको OMR भी मिलेगी, पेपर आपका आएगा इसमें स्क्रीन पर। जैसे मान के चलिए कि इसमें आपका प्रश्न आया कि राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति जो अपने पद से हटता है तो अपना इस्तीफा किसे देता है, तो इसका जो आंसर है आपको इसमें देना है। इसमें ऑप्शन होंगे आपके ABCD, जो भी आपका आंसर होगा वो इसमें लगाना है। ये होता है हाइब्रिड मोड, ठीक है। इससे घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। किसी दिन मैं हाइब्रिड मोड के ऊपर पूरी एक डिटेल से वीडियो ला दूंगा, किस किस तरीके से इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस किस तरीके से। हालांकि इसमें ऐसा कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। इसी के साथ जो मैं हर बार बता रहा हूँ आपको, मैं कि अपनी प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पढ़ने के बाद रिवीजन जरूर करिए, प्रीवियस ईयर पेपर को अपनी आंखों के सामने जरूर रखिए किस तरीके से पेपर आते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो अगर आप भी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें, तो आप चक्षु प्रकाशन की ले सकते हैं, या आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, इनमें PYQ भी हैं, इनको आप ले सकते हैं। दोनों बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
अब हम जो अगला डाउट है, डाउट नहीं है आपका, ये मैं आपको अपनी ओर से बता रहा हूँ, इस बात के ऊपर बता रहा हूँ, इसके ऊपर लिखा है मैंने कि देखिए मैं आपको सच बताऊँ, ये चीज़ें पढ़ाई यार मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो टेंशनबाजी वाली बातें इधर उधर की हवा हवाई बातें उनके साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहो, बहुत डिस्टर्ब होता है इन चीज़ों से। अगर आप इन नेगेटिव चीज़ों में रहेंगे, किसी ने बोल दिया कि सिलेबस चेंज होगा, किसी ने बोल दिया कि आपका नेगेटिव 1/2 की हो जाएगी, तो मान लो क्या 1/2 की हो जाओगी, या सिलेबस आप किसी के कहने से सिलेबस चेंज या कुछ और चेंजेस भर्ती में नहीं होते, किसी के कहने से अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो भर्ती बोर्ड खुद आपके लिए इतना समय देता है कि जो चेंज किए हैं उनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकें, चाहे वो फिजिकल में हो चाहे वो मतलब एग्जाम पैटर्न में हो, किसी भी तरीके से। तो किसी भी तरीके से कोई अपडेट ऐसी नहीं है जो आपके लिए मुझे ये बतानी हो कि चेंज हो, कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट यही है कि नेगेटिव चीज़ों से बचो। अगर किसी चीज़ पर ध्यान देना है तो आपकी एक सिर्फ पढ़ाई है, वही आपको बिल्कुल ये समझ लीजिए बहुत ऊपर ले जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अभी भी आपको कोई डाउट हो कुछ भी पूछना हो आप सभी मेरे भाई बहनों कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपका डाउट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।